लेट्स स्टार्ट यस सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बेबी के लिए क्या कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच आई एम वेरी हैप्पी फिल्म के बारे में जानना चाहता हूं किस तरह की क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में फिल्म आई थिंक आई हैव टोल्ड इन मेनी इंस्टेंसेस इट्स कम आउट वेल इट्स ऑल अबाउट गोल्ड माइनिंग इट्स अ फिक्शनल स्टोरी इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन देयर इज लॉट ऑफ सेंटिमेंट एंड इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ You would have seen the trailer, so you guys would have got a brief idea about it. Moni, हमने इस फिल्म में गाना शूट किया है. कर रही हूँ. Okay, कर रहे हैं. जी. तो ये गाना क्या है और आपका कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा क्लब वगैरह जैसा लग रहा है उसके बारे में बताइए. I'm sure it's a situational song and we are recreating गली गली में फिरता है, which happens to be mine and most people's most favorite, one of the most favorite songs. And Ganesh Masterji is choreographing it. And he is also, it's his movie, so it couldn't have been better than that for me. And the steps are really nice. The song is really groovy. So I'm hoping and praying and keeping my fingers crossed that it does really well. क्या आपने इस मूवी के कुछ शॉर्ट्स वगैरह या ट्रेलर वगैरह देखे? बहुत अच्छे लगे मुझे दोनों ट्रेलर देखे मैंने और एक तो इतना लार्जर देन लाइफ लग रहा है एंड एट द सेम टाइम इट सीम्स दैट द स्टोरी इज देर इज अ सर्टेन मिस्ट्री टू इट विच पीपल विल अंडरस्टैंड आई एम श्योर व्हेन दे गो टू द थिएटर्स एंड वॉच द मूवी एंड इट लुक्स ब्रिलियंट एंड आई विश हिम एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट मैंने आपने गोल्ड फिल्म की थी और ये फिल्म और इस वक्त कपड़े भी आपने गोल्डन के लगे जी अब मैं क्या बताऊँ कि शायद गोल्ड के साथ कुछ तो रिलेशनशिप है मेरा यश आपका क्या कहना लाइक उन्होंने जो फिल्म की थी बॉलीवुड पे था वो गोल्ड I'm sure he hasn't seen it so he is just embarrassed now no see I think it's her day she is doing all the hard work I'm just going there you know and enjoying the view yeah, I'm running around आप लोगों का साथ में कोई डांस या स्टेप हां अभी मास्टर कुछ प्लान किए है सो आई हैव टू जस्ट सी बिकॉज़ वी हैव जस्ट स्टार्टेड सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मास्टर वांट्स टू शूट इट बट आई थिंक शी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब आई जस्ट सॉ अ फ्यू क्लिप्स एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग सो दैट्स वेरी नाइस बैक टू बैक यू आर डूइंग अ फिल्म आल्सो नाउ गोल्ड की अभी ये फिल्म में भी आप डांस कर रहे हैं किस तरह का आप देख रहे हैं टीवी से लगातार पॉपुलैरिटी आपको देखिए मुझे ना काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे एक्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है काम काम होता है एंड आई एम अ वेरी प्राउड टीवी एक्टर इट इज़ गिविंग मी एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे सो फिल्म्स आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिकॉज इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ एंड आई वांट टू गिव इट माय ऑल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस अरे द मैन ऑफ द आवर इज हियर मास्टर इज हियर सॉरी यू सेइंग सर प्रमोशन की बात करें किस तरह प्रमोट कर रहे हैं आप फिल्म को अरे हम इतना प्रमोशन मेरा करियर में नहीं किया जिंदगी में नहीं किया जितना अब हो रहा है सो वी आर नॉट यूज्ड टू सच उतना प्रमोशन करके उतना वी डोंट डू सच इन सच स्केल बट आई एम एंजॉयिंग इट सो ऑल ऑफ यू आर रियली सपोर्टिंग अस एंड आई कैन सी इन ऑल द चैनल्स यू बीन प्रमोटिंग अवर फिल्म सो आई हैव टू बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू तो मज़ा आ रहा है प्रभास के साथ में आपको देखा गया था तो क्या प्रभास भी इस फिल्म में हमें कई गाने या तो नो 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 बट बस ऐसे ही डिनर पे गए थे यार बस और कुछ नहीं सो आप तो पर्सनली बॉलीवुड से किसी का कोई कॉल या ऐसा कुछ अभी तक नहीं 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 आया ओके सर आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरीके का डांस होने वाला है ये त्रिदेव का पुराना गाना है गली गली में और बहुत ही कमाल का रिमिक्स किया था इसने और ये फिल्म का मैंने जब ट्रेलर दिखाया था मुझे इन्होंने तो मैं बहुत ही एक्साइट था ये फर्स्ट टाइम वो इस तरह की डिफरेंट फिल्म आ रही है और यश उसमें बहुत ही कमाल का दिख रहा था बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था यार अगेन कोई यंगरी मैन इसका तो बहुत ही कमाल और गाना जो है ये डिफरेंट है और फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि मौनी कर रही है गाना तो मैं बहुत एक्साइट था कि मुझे इसके साथ गाना करना था आप क्या आप ही इज सेइंग द ऑपोजिट आई वाज डाइंग टू वर्क विद हिम एंड इट इज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ दैट आई हैव गॉट सो प्लीज डोंट से दैट बट आई एम हम्बल क्योंकि गोल्ड में हम लोगों ने गाना किया था वो फिल्म में रहा नहीं तो मुझे ऐसा था कि गाना इनके साथ में करूँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बहुत मेहनत की रिहर्सल की और यकीन माने कि ये फर्स्ट डे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी बहुत बीमार थी बुखार में था इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट गाना होगा ये इस फिल्म का कि मेरे आफ्टर चिकनी चमली शूट दिस सॉन्ग
सर ज्यादा मुश्किल है नचाना यश को यहाँ पे? यश इसमें डांस नहीं है, मैं बस चल पैदल चल, आई विल बी वॉकिंग. I told you, you know, she's doing all the hard work. Sir, एक question मेरी side से. Sir, आपने already, you are a choreographer, okay? And आप पहले already काला चश्मा पे आप choreography कर चुके हैं. काला चश्मा मेरा नहीं था. चिकनी चमेली. चिकनी चमेली. Sir, आप इसका इस experience के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मोनी के साथ मुझे first time हम लोग गाना कर रहे हैं और बहुत ही hard work किया है और एक्सेल फिल्म में प्रमोट कर रही है, इसको प्रेजेंट कर रही है, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मुझे ऐसा फील है जैसे बाहुबली एक वक्त पे आई थी और वैसी ये फिल्म के जी एफ को प्रमोट कर रहा है बहुत वैसे, और जिस तरह से मैंने फिल्म को शूट करते हुए देखा है. एंड इवन आई एम वर्किंग विथ द डी ओ पी भुवन सेम फिल्म. सो मतलब इतना उन लोग में ये है फिल्म को लेके और गाने को लेके, तो बहुत ही एक्साइट हूँ ये फिल्म कब आएगी, कब हमारा गाना आएगा और इस तरह की फिल्म चलेगी. मैंने ये आइकॉनिक सॉन्ग था उस दौर की देखा जाए तो उसकी गली गली, किस तरह का प्रेशर था कुछ कि ऑडियंस ना पसंद करी करेगी करने के पहले? मैं ये सब सोचती नहीं हूँ, मुझे मेरे पे प्रेशर था इन पे, सारा प्रेशर इन पे था. उस फिल्म में मैं ग्रुप डांसर था. वाओ, रियली? ओके, ग्रुप डांसर दैट त्रिदेव, तो मुझे बहुत प्रेशर था. और इनको क्या, मैं इनको भी सबको कह रहा था कि उस वक्त मैं ग्रुप में भाई ये गाना मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को बहुत टेंशन है. तो हम लोगों ने बहुत फोकस किया रिहर्सल पे, कॉस्ट्यूम पे, डिज़ाइन पे, बहुत मेहनत की है. इवन मोने ने बहुत मेहनत की और प्रोडक्शन ने बहुत मेहनत की, जो चाहिए वो दिया. जियो के साथ मूवी आ रही है, रितेश ने अपनी राय रखी, फिर भी पर्सनली एक एक्टर के तौर पे कितनी नर्वस है आप, कितने कॉन्फिडेंट हैं फिल्म को लेकर? अरे मैं तो हज़ार बार बोल चुका हूँ, उसी उससे कुछ नहीं होता है. हर इंडस्ट्री में एक दो फिल्म के लिए जगह रहती है हर वीक, और उसके ऊपर क्या है ना, एक फिल्म अच्छी चलेगी तो लोगों को, और एक फिल्म मार्केट पे है तो उसको भी देखेंगे, वो अच्छे मूड में रहते हैं. अगर एक फिल्म अच्छी नहीं लगी फिर भी जाके दूसरा फिल्म देखते हैं अगर उसके बारे में अच्छी टॉक हो, क्योंकि उस बैड एंगल से आना चाहते हैं. सो इट मीन्स देर इज़ स्कोप फॉर 2 or 3 फिल्म्स इन एवरी मार्केट, सो इट शुडंट डिस्टर्ब एंड इट्स ओके यार. कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे डेट के लिए कॉम्पिटिशन तो रहेगा. गणेश सर, आपने जैसा अभी बताया कि मोनी के साथ आपने गोल्ड में एक सॉन्ग शूट किया था जो आया नहीं, उसके बारे में अगर कुछ डिटेल बताएं वो फिल्म में? फिल्म में मतलब गाना बहुत अच्छा था लेकिन वो शायद कहानी वाइज जा नहीं रहा था, वो स्टोरी वाइज जा नहीं रहा था. और उन्होंने लंदन में शूट किया था तो बस वो एक अफसोस था कि मैंने इनके साथ इतना अच्छा गाना किया था, तो पूरी भड़ास मैंने इस गाने में निकाली. दैट्स गुड फॉर अस. आपको बता दूं इतनी सुंदर सुंदर स्टेप्स है, इतनी प्यारी कोरियोग्राफी है, एवरीथिंग इज सो न्यू एंड सो लाइक ही इज अ पोएट, ही ट्रीट्स हिज कोरियोग्राफी लाइक अ पेंटिंग, सो दैट्स हाउ ही थिंक्स अबाउट हिज शॉट्स एंड हिज स्टेप्स. सो ही इज अ जीनियस एंड आई एम द लकीएस्ट पर्सन राइट नाउ टू बी वर्किंग विद हिम. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रहा है, साउथ की फिल्में की रीमेक बन रही है बॉलीवुड में, आप किस तरह देखते हैं रीजनल फिल्मों को आप पर्सनली? आई थिंक दैट थिंग इज़ गॉन नाउ. रीजनल फिल्म या बॉलीवुड फिल्म ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडियन फिल्म है, कहीं से भी बनाओ एक फिल्म अच्छी है तो सब देखते हैं. एंड आर इंटेंशन इज़ टू रीच टू ऑल ऑफ द हिंदी ऑडियंस, वाइडर ऑडियंस, सो उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता है वो रीजनल है या बॉलीवुड है. बॉलीवुड हो गया, सो इट्स ऑल आउटडेटेड थिंग. वो अभी वो रहा ही नहीं. आप अगर ये फिल्म देखोगे तो मैं तो बॉलीवुड के, मैं तो हॉलीवुड के साथ इसकी टक्कर गई, दैट मच स्केल एंड उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट किया हुआ, सिनेमा बहुत अच्छा है. वो अभी रीजनल फिल्म का कुछ रहा नहीं है सब. इसके अलावा सर, सुभाष भाई को क्लीन चिट मिल गई है? हाँ, मेरे को शॉट रेडी, मैं जब के आता हूँ. थैंक यू. लास्ट कहना चाहते हैं मोने, आप भी क्या कुछ कहना चाहते हैं फैंस को, अपने चाहने वालों को? फिल्म 21 को रिलीज़ हो रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही कहूँगी दोनों फिल्मों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. इट्स वी आर अ कंट्री ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, सो आई एम श्योर एंड देयर आर इनफ थिएटर्स, सो प्लीज गो एंड वॉच बोथ द फिल्म्स, बट मोर पीपल वॉच एंड गो एंड वॉच दिस फिल्म. एंड देयर इज अ फैबुलस नंबर एंड ही हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड द फिल्म लुक्स ग्रेट, सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई फैंस टू go and give us some love. Thank you.
सेम यार सी इट इज नॉट जैसे कन्नड़ मूवी से उपेंद्रा थे मतलब ऑल ओवर मार्केटिंग अभी चल रहा था तो उनके बाद आपका भी इसका तो मार्केटिंग चल रहा है इंटरनेशनल लेवल में तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं नहीं ये मेरा मार्केटिंग नहीं चल रहा है मेरा मार्केटिंग चलाना होता तो कब का चला लेता सो इट इज अबाउट फिल्म आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म दैट्स द रीजन प्रमोशन का भी चाहिए प्रमोशन जब हम इस मार्केट पे आए तो प्रमोट करना चाहिए लोगों को पहुँचाना चाहिए एंड इट इज़ नॉट नाइस टू कंपेयर सी कि एक बार दो बार बोला अभी हर इसमें इफ़ आई स्टार्ट टेकिंग जीरोस नेम बिकॉज आई माईसेल्फ आई एम अ शाहरुख खान फैन अगर ऐसे बताता जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं सो लेट्स लीव इट आई थिंक आई हैव आंसर्ड इनफ ऑफ टाइम्स सो 21st है देखेंगे आप भी देखिए ट्रेलर पसंद आई है तो फिल्म देखिए सपोर्ट अस दैट्स ऑल लास्टली न्यू ईयर मैंने इस सीजन एक भी एपिसोड नहीं देखा और कोई रीजन नहीं है बस टाइम नहीं मिला और प्लीज होप एंड प्रे दैट मुझे ऐसे टाइम ना मिले घर पे बैठ के शो देखने के लिए थैंक यू आई एम अ ह्यूज ह्यूज सलमान खान फैन बट दिस टाइम आई रियली डिडंट हैव द टाइम टू वॉच इट सो दैट्स व्हाई आई हैवंट दिवाली दिवाली तो हो गया ना ओके हैप्पी न्यू ईयर हैव अ ग्रेट ईयर अहेड ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर एंड अ ग्रेट ईयर अहेड थैंक यू सो मच Salve.